एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी के एक नए व्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं हूँ अभी अपने बगीचे में। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है इसलिए मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और मैं आई हूँ अभी सुबह सुबह अपने बगीचे में गोबर लेकर, जो मेरा डेली का रूटीन है। सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए हम अभी आए 11 बजे। और अभी देख सकते हैं आप, उतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है, मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी है इस वाले सेब के नीचे। ये देखिए कितने सारे जो है ड्रॉप हुए हैं। और भी इधर भी देख सकते हैं आप लोग। और बाकी का साइज़ जो है इतना हो चुका है। यहाँ पर हमने मटर भी उगाए थे, बीजे थे, जो कि बहुत ही कम मात्रा में बच गए हैं, जिसपे आप मटर देख सकते हैं। यहाँ पर मटर लगे हैं पर मैक्सिमम जो है सूख गए हैं सूखे की वजह से। और पर उधर की तरफ जो है कुछ ज़्यादा सूख गए थे इसलिए हमने वहाँ पे राजमा बीज दी है, जो अभी बहुत छोटी छोटी है, मैं आपको दिखाऊंगी। पर फ़िलहाल मटर जो है आ गए हैं तोड़ने को, बस थोड़े दिन का फ़र्क है इसमें। ये जो है कुछ लग गया है इसमें बीमारी शायद, तो ये इनका तोड़ने का वक्त आ गया है, बस एक आधा हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। तो सेब की हालत कुछ ऐसी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ राजमा। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े मटर भी थे और हमने बीच बीच में राजमा भी डाल दी थी इसलिए जो है राजमा उग भी गई है। अब मटर तो हम तोड़ देंगे, तो मटर के साथ मटर का घास भी हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे राजमा रह जाएगी। और फिलहाल तो हमने जो है गोबर तो फेंक दिया था खेत में, मतलब फेंकते नहीं हैं हम लोग जो है गोबर का एक ढेर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो जब अच्छे से सड़ जाता है, जब उसकी खाद बन जाती है, हम तब उसको अपने खेतों में डालते हैं और सेबों में भी यूज़ करते हैं। तो वो तो हमने ढेर में डाल दिया है। और अभी जा रही हूँ मैं अपने दूसरे वाली तरफ जहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं। जब देखती हूँ मम्मी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, थोड़ी देर भी पहले नहीं रहते। देखिए क्या कर रहे हैं। कैनी लानी थी, मैं आई आपको देखने। तो यहाँ पर भी मम्मी ने कुछ बीजा था पर कुछ भी नहीं उगाए, घास ही घास उग गई है। भंग जीदी बीजी थी उसकी जगह घास ही घास उग गया देखिए। और यहाँ से परे मम्मी ने राजमा और बाथू बीजा था, जिसकी हमने कुछ दिन पहले गुड़ाई की थी। और देखिए यहाँ पे कितना घास उग गया दोबारा, अब हमें दोबारा गुड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो राजमा बहुत बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि हमने पहले ही बीज दी थी। और ये जो लाल लाल है, पिंक पिंक कलर का, ये है बाथू। इस बारी हमारे यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे, इनमें भी सेब लगे हैं। दाने दिखाती हूँ, ये देखिए कितना छोटा सा है। फिर इसमें भी इस बारी लगे हैं एप्पल्स। देखिए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से ये सामने का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है। और चांशल पे कल शाम को बहुत ही सुंदर स्नोफॉल हुआ है, थोड़ा थोड़ा ठंड की वजह से। और हमारे इधर भी स्नोफॉल हुआ है क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे एप्पल्स हैं इस पे। नहीं क्यों लानी है घर लेनी है, मैंने सोचा कुछ करना है इधर से, जैसे की हुई नहीं है इधर से, तो फिर भी कम घास दिख रही है इधर नीचे। यहाँ जैसे कुछ ज्यादा कहनी लगती हूँ मैं, तो मैं जा रही हूँ अभी कहनी लाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कहनियाँ हो गई है तो गुम होने के चांसेस है। तो ले आती हूँ, फिर हम देखते हैं कि गुड़ाई करनी है। मौसम अगर ठीक रहा तो थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे, वरना घास काट देंगे, क्योंकि घास बहुत ज़रूरी है। घास काटेंगे, घास लेकर फिर घर को निकल जाएंगे। तो फिलहाल मैं ढूंढ लेती हूँ कहाँ पे रखे मैंने, वहाँ थी मैंने, मैं रख के भूल गई। जब हम मटर को तोड़ेंगे उस दिन का भी मैं व्लॉग बनाऊँगी, बड़ा मज़ा आता है। आजकल तो ये कहनी कैसी गंदी हो रखी है, और मैं यहाँ से ऊपर कैसे जाऊँ। अब तो मटर हम बहुत कम कम उगाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा उगाते थे तो बड़ा मज़ा आता था, बहुत सारे लोग आते थे मटर तोड़ने गांव के।
यहाँ से जाती हूँ, थक गई है। ठीक है, पहले जब बहुत ज़्यादा मटर होते थे तो हम सब गांव के लोग मिलकर एक दूसरे के मटर तोड़ते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, पर अब तो मटर भी बहुत कम कम होते हैं तो हम अपने आप ही तोड़ देते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए फिर काम कर लेते हैं कुछ, मिलती हूँ आपसे। क्योंकि थोड़ी सी हमने गुड़ाई की, फिर अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रहा था इसलिए हमने सोचा थोड़ा घास निकाल देते हैं। बहुत छोटा छोटा घास है तो मैं अभी फटाफट घास निकाल देती हूँ। एक इल्टा घास, एक इल्टा मम्मा निकाल रही, एक इल्टा मैं निकालूंगी, फिर हम जाएंगे घर क्योंकि फ़ोन की बैटरी है लो। मिलती हूँ आपसे घर में। यहाँ से घास निकाल रही हूँ, यहाँ पे रखा है। थोड़ी देर पहले मैं घास लेकर घर पहुंच गई थी, मैं और मम्मा, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने मेरे लिए लंच बना के रखा था, तो हमने लंच किया, फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और अभी मैं जा रही हूँ मेरे ऊपर वाले खेत में। वहाँ पे हमने सब्जी उगाई है, उस सब्जी में मुझे जो है दवाई डालनी है क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, इसलिए उसमें मुझे दवाई की स्प्रे करनी है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ है हमारे मटर, ये है हमारे मम्मा, मल्टी टैलेंटेड। एक में नहीं, बाल्टी में। ए रुक जा, मम्मी आपने क्यों नहीं लाया पानी? ये तो इतनी है, बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या है, गंदा है ये, इसको पकड़ो आप, हम डालेंगे खुद ही। नहीं यही से वो पहले एक ढक्कन डाल, दादी एक ढक्कन बहुत है, तीन दिन ले जाना है रे, एक ढक्कन बहुत है। उफ तो गाइस मैंने गोभी के पेड़ सॉरी गोभी के पौधों पे स्प्रे कर दिया और कुछ ही यहाँ पे बचे, इन पे मैं स्प्रे कर रही हूँ। देखिए